स्वाट, एसओजी, सर्विलांस, क्राइम ब्रांच और गुलरिया पुलिस की संयुक्त टीम ने तीन शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से तीन अवैध तमंचा, तीन जिंदा कारतूस, तीन खोखे और लूट का 75,455 रुपये नकदी, एक आल्टो कार सहित एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान सुनील साहनी, पुत्र अभिराज साहनी, निवासी नकहा नंबर 2 भगवानपुर थाना चिलवाताल, राम सिंह यादव उर्फ छोटू, पुत्र जय सिंह यादव, निवासी सरहरी टोला अहिरौली थाना गुलरिया, और विश्वास तिवारी, पुत्र वकील तिवारी, निवासी हरखापुर थाना पिपराई जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने शातिर लुटेरों को गुलरिया थाना क्षेत्र के संस्कार पब्लिक स्कूल पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि पकड़े गए शातिर लुटेरों से अभी और भी जानकारी हासिल की जा रही है। इनके और भी सहयोगियों की तलाश कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस दौरान एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा और सीओ क्राइम परवीर सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, इसमें अनावरण हुआ है 130 बुटे बुधवार को। कितने तारीख की घटना? ये बस 5 तारीख की घटना थी, संभव 5 मार्च होली से पहले वाला, होली के जस्ट पहले वाली घटना, सबसे बड़ी लूट की घटना थी। तकरीबन 5 लाख की लूट की घटना। कितनी लूट हुई थी? 4,62,000। यही सब असले है इनके पास से बरामद हुए। जो अनिकेत की हत्या हुई थी तो राजू यादव का मेन फैली है। अरे ये आप मतलब मान लें कि सुनील साहनी का स्तर वही है जो मतलब बिपिन सिंह कई अपराधों में तो हवा नहीं, मतलब तीनों किसी से कम थोड़ी ना। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, मार्च के महीने में एक शराब की दुकान गुलरिया थाना अंतर्गत सरैया में थी, जिसपे बदमाशों ने 4,62,000 रुपये लूट दिए थे। कुछ शराब की एक आध पेटी भी ले गए थे। उस प्रकरण का जो है खुलासा करने में आज हमें क्राइम ब्रांच और गुलरिया पुलिस को जो है बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकरण में जो है तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, एक अभियुक्त फरार है। इन तीनों अभियुक्तों का जो ये अच्छे अपराधी हैं, इनका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है और बरामदगी की गई है जो है 75,000 कैश की, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की, एक कार की और बाकी सारी चीज़ें बरामद करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इस घटना में एक अभियुक्त शामिल था जिसकी हम लोग अभी तलाश है, अभी इसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तो इसका मास्टरमाइंड कौन? ये तीनों ही मास्टरमाइंड है। वैसे जो है इसमें जो छोटू यादव है, शराब की दुकान पे लूट करनी है, स्पेशली इसी का प्लान था। उस दुकान के रैकी करना या जो है वहाँ से लूट की जा सकती है, तो इस घटना में ये लीड यही कर रहा था। पर इनका कोई पुराना भी आपराधिक इतिहास? हाँ, इनके पुराने आपराधिक इतिहास हैं लूट के, और यही नहीं जो है कुशीनगर जनपद में भी है। एक विश्वास तिवारी जिसमें अभियुक्त है, इसको जो है अहिरौली थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर में भी लूट का मुकदमा पंजीकृत है।